कथककार, कथक का अर्थ है कथा, स्टोरी, जो कथा कहे सो कथाकार, स्टोरी टेलर्स। कथक इंडियन क्लासिकल डांस के आर्ट फॉर्म में से एक है। कथक इज ए मिक्सचर ऑफ डांस एंड ड्रामा। कथक की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में फोक डांस के रूप में हुई, बाद में मंदिर कथक के सेंटर हो गए और देवी देवता की कहानियाँ कथक की कहानियाँ हो गई। मुगलों के आने के साथ ही कथक अब कोर्ट में आ गया। जिंदगी के हर पहलू में कथक शामिल हो गया। भक्ति काल में कथक राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर आधारित था। कंटेम्परेरी कथक यानी आज का कथक, जिसने अपनी आइडियोलॉजी को बरकरार रखते हुए भी कई अन डांसेस को भी अडॉप्ट किया। अब कथक पर स्टाइल हो गया। एनवायरमेंटल इश्यूज, भजन, स्तुति, ठुमरी सब कथक के माध्यम से कहा जाने लगा। हैंड जेस्चर्स, फुट मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई वर्क कथक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कथक के लिए नाट्यकर्म का ज्ञान जरूरी है। नाट्यकर्म कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड आईज, पूरे कंसंट्रेशन के साथ परफेक्शन आने के बाद रासा की उत्पत्ति होती है। रासा इज ओनली क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन ऑफ फीलिंग्स। कथक के दो सेगमेंट्स हैं, नृत्य यानी टेक्निक और नृत्य यानी एक्सप्रेशनल पार्ट ऑफ फीलिंग्स, अभिनय। नृत्य में ताल, फुट स्टेप्स, हस्तक, हैंड मूवमेंट्स, चक्र, स्पाइन, चाल, तोड़ा, तिहाई, उठान, चक्राधार और बहुत कुछ आता है। तबला कथक का मुख्य इंस्ट्रूमेंट है। फुट स्टेप्स और तबला की जुकलबंदी तो अद्भुत होती है। कथक के मुख्य घराने जयपुर, बनारस और लखनऊ हैं। पंडित बिरजू महाराज के नाम को तो कौन नहीं जानता। तो आइए कथक करें आज से, अभी से। नमस्कार। Yeah.